8 दिन से मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं, महले से मांग के बच्चों को दे देते हैं। तो बाजार वाला आटा महंगा है, नहीं ले सकते। इस दफा तो एक टाइम का भी खाना खा लेना तो रोजा रखना भी, वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। एक टाइम बनाते हैं तो 2 दिन निकालते हैं, जैसे आज बनाई है ना फिर परसों बनानी है। कभी इतने ऐसे भी हो जाता है कि रात को भी भूखे सोते हैं पानी पी के। बच्ची है छोटी, वो मेरी रोज जिद करती है, दूध मांगती है। उसके लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दूध लेके आ जाऊं। इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहा है पाकिस्तान। सरकार से लगाकर आम जनता तक है पाई पाई की मोहताज। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तानी सरकार के पास पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार $4.5 अरब ही बचा है, जो चंद हफ्तों में इम्पोर्ट बिल भरने में चला जाएगा। हाल ही में जिनेवा में द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट रिजिलिएंट में पाकिस्तान ने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए इस मीटिंग में आए हुए सभी देशों से आर्थिक मदद मांगी, और इस सम्मेलन से पाकिस्तान को लगभग $9 अरब मिलने की उम्मीद भी है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया को जो अपना चेहरा दिखा रहा है, हालात बिल्कुल उसके विपरीत है। आटा, दाल, बिजली, पानी, हर एक चीज महंगी हो गई है। अगर आप इनके रेट सुनेंगे तो आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे। पाकिस्तान में आटा 200 रुपए किलो, चीनी 230 रुपए किलो, दूध 250 रुपए लीटर और खाने का तेल 550 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। यही नहीं, खाने पीने का हर एक सामान आसमान को छू रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पैसे बचाने के लिए सरकार हर एक संभव उपाय कर रही है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी बिल 67 रुपए पर यूनिट तक पहुंच गया है। बिजली संकट और बढ़ते हुए रेट को देखते हुए पाकिस्तानी सरकार ने मार्केट और मॉल्स को 8:30 बजे तक बंद करने का आदेश दे दिया है। मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल और रोड लाइट्स को 10 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। अस्पतालों में भी बिजली की खपत 50% तक कम कर दी गई है। कोचिंग सेंटर, पार्क और अन्य सार्वजनिक और सरकारी उपक्रम सिर्फ दिन में ही चलेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 40% आबादी बुनियादी जरूरतों से दूर है। पाकिस्तान एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान के ऊपर लगभग 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपयों का कर्ज है, जो इनकी कुल GDP का लगभग 89% है। इस कर्ज में 33% हिस्सेदारी यानी कुल $30 अरब का कर्ज तो सिर्फ चाइना का है, जो पाकिस्तान पर लगातार दबाव बना रहा है। हालात भुखमरी के हो गए हैं और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की गरीबी का जो आंकड़ा पेश किया है, उसके मुताबिक देश की गरीबी एक साल में ही 34.2% से बढ़कर 39.4% हो जाएगी। देश में लगभग 1.5 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही है और गरीबी की मार झेल रही है। पाकिस्तान के इस बदतर हालात के क्या कारण हैं और कौन है इसका जिम्मेदार, अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।